हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री विच इज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो ब्रिटेन के साथ हुई थी, जो नॉर्थ अमेरिका के 13 कॉलोनीज थी उनके बीच में. देन न्यू वर्ल्ड किसने डिस्कवर किया 1492 में? क्रिस्टोफर कोलंबस ने. इन 1774 किंग जॉर्ज थर्ड वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड. 1774 में जॉर्ज थर्ड इंग्लैंड के रूलर थे. जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉलोनियल आर्म्ड फोर्सेज. आर्म्ड फोर्सेज के जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज बाई द ट्रिटी ऑफ पेरिस. अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो वो जो इंडिपेंडेंस थी वो किसके साथ खत्म, मतलब मिली उनको? ट्रिटी ऑफ पेरिस के साथ में. ठीक है, देन चूज द करेक्ट आंसर. तो कितनी ब्रिटिश कॉलोनीज ने हिस्सा लिया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने. द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज साइंड इन फिलाडेल्फिया. और जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन साइन किया गया था वो फिलाडेल्फिया में साइन किया गया था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस थ्रू द ट्रिटी ऑफ पेरिस. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को माना ट्रिटी ऑफ पेरिस के बाद में, ट्रिटी ऑफ पेरिस के साथ. द कॉलोनीज फॉर्मली गेन्ड इंडिपेंडेंस 1783 में उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी. देन आता है नेम द 13 कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. 13 कॉलोनीज के नाम आपको याद होने चाहिए. न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, मसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया. ओके, तो ये 13 कॉलोनीज आपको नाम याद होने चाहिए. देन आता है हु वॉज जॉर्ज वाशिंगटन. जॉर्ज वाशिंगटन वॉज एन अमेरिकन पोलिटिकल लीडर, मिलिट्री जनरल, स्टेट्समैन एंड फाउंडिंग फादर हु सर्वड एज अ फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1789 to 1797. जॉर्ज वाशिंगटन एक पोलिटिकल लीडर थे, कमांडर इन चीफ थे आर्म्ड फोर्सेज के, और उन्होंने जो अमेरिका के प्रेजिडेंट रहे वो 1789 से लेकर 1797 तक. देन आता है वट कल्चरल कॉजेज लेड टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑफ फर्स्ट द कॉलोनीज वर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कल्चरली. कल्चरल कॉजेज क्या थे? सबसे पहले तो जो कॉलोनिस्ट की कल्चर था वो ब्रिटिशर्स से बिल्कुल अलग था. देन द कॉलोनिस्ट हैड अ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. उनका जो ट्रेडिशन था वो इंडिपेंडेंट टाइप का था, वो नहीं चाहते थे कि उन पर कोई रूल हो. देन दे डेवलप्ड एन अमेरिकन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म. उन्होंने अपनी एक ओन आइडेंटिटी बनाई थी. ठीक है, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. अब इस स्लोगन का मतलब क्या है? द स्लोगन मीन्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो राइट टू टैक्स द कॉलोनी सिंस दे हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसका मतलब कि जब तक अमेरिकन्स को, जो कॉलोनिस्ट हैं उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तब तक उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो उनसे टैक्स कलेक्ट करें. ठीक है, अब व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल क्या थे? मेन प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा. देन व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉस्टन टी पार्टी. द इवेंट दैट फाइनली स्पार्क्ड ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द बॉस्टन टी पार्टी ऑफ 1773. दिस एक्ट वॉज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू टैक्सेज इंक्लूडिंग टैक्स ऑन टी इम्पोज ऑन द कॉलोनीज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉ दिस इज एन एक्ट ऑफ ओपन डिफेंस एंड रिस्पॉन्डेड हार्शली. द टेंशंस ऑफ द बॉस्टन टी पार्टी इवेंचुअली एस्केलेटेड इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब बॉस्टन टी पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बॉस्टन टी पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो ये इसने एक तरह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मतलब वो क्या कहते हैं उसको, आग दी थी. ठीक है, आग दी थी इसकी वजह से, मेन कॉज मतलब माना जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट किया गया था, एक जो न्यू टैक्सेस लगाए गए थे ठीक है कॉलोनिस्ट पर, उसमें टैक्स ऑन टी भी था, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट किया गया था और इसने एक तरह से स्पार्क किया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को. देन व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द डिसकंटेंट ऑफ द कॉलोनिस्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. कौन सी मेन रीजंस थी जिनकी वजह से कॉलोनिस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती थी? इकोनॉमिक रीजन पहले, 13 कॉलोनीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट
kept a tight control on their economic affairs. The colonies had developed prosperous agriculture economies. To cash in on this prosperity, the British government levied heavy taxes on the colonies. अब क्या था कि जो colonies थे वो किसके अंडर थे? British government के अंडर थे. Britishers ने उन पर बहुत ज़्यादा control किया हुआ था उनकी economy पर, और जो उन्होंने colonies ने अपनी economy को develop किया था with the help of agriculture practices, ठीक है, उस इन सारे फायदों को लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैवी टैक्स लगा दिए कॉलोनीज के ऊपर. देन अदर पॉलिटिकल रीजंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूमरस इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सट्रैक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द कॉलोनीज. और उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए कॉलोनीज के ऊपर, जिसकी वजह से एक तरह से दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए. देन इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स, द राइटिंग ऑफ फिलोसफर्स सच एज वोल्टेयर, रोसियो, मोल्टन एंड लॉक ग्रेटली इंस्पायर्ड द कॉलोनिस्ट. जो मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो लिखावटें थी, लिखी गई थी राइटिंग्स, उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. देन लास्ट आता है कल्चरल रीजंस, द कॉलोनिस्ट वर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कल्चरली, द कॉलोनिस्ट हैड लिबरल एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. उनके कल्चर में दोनों के बहुत ज़्यादा फर्क था, ब्रिटिशर्स और कॉलोनिस्ट के. देन वट वर द इकोनॉमिक कॉजेज दैट लेड टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ आर मेनली ड्यू टू ब्रिटेन अनफेयर एक्शंस रिगार्डिंग ट्रेड, सोशल ऑर्डर एंड इनक्रिमिनेशन ऑफ टैक्सेस. तो अब मेन इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? सबसे पहले तो ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बाद जो टैक्सेस में बढ़ावा किया गया था वो. आफ्टर 1765 व्हेन किंग जॉर्ज थर्ड इंक्रीज टैक्सेस इन अमेरिकन कॉलोनीज, टेंशन बिटवीन ब्रिटेन एंड कॉलोनिस्ट इंक्रीज, द अमेरिकन रेवोल्यूशन स्लोली एमर्ज्ड. अब 1765 में जब किंग जॉर्ज थर्ड ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, तो दोनों ब्रिटेन और कॉलोनिस्ट के बीच में टेंशन इंक्रीज हो गई. The only efficient way to take the colonies seriously was by creating a boycott of British goods, meaning that trading was over, which would affect the economies negatively. अब एक only efficient way ये था कि हम मतलब जो colonies थी वो British goods को boycott कर दें. उसके साथ क्या होगा कि जो trading होगी वो बहुत ज़्यादा effect करेगी और उनकी economy को बहुत ज़्यादा effect पड़ेगा. Then despite the birth of USA, the long war of independence ended in 1781 after the colonies defeated the British forces. The British government formally recognized the independence of 13 colonies by the Treaty of Paris in 1783. अब independence बहुत देर तक चली, 1781 में end हो गई, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि British government ने 13 colonies को independence दे दी Treaty of Paris के under 1783. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस एंड द कॉलोनीज केम टू बी नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अब जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो वो किस नाम से जाने जाने लगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड एंड जॉर्ज वाशिंगटन वॉज, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को पहला प्रेजिडेंट घोषित किया गया, इलेक्ट किया गया. वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन? अब इम्पैक्ट क्या थे अमेरिका के ऊपर? देयर वॉज नॉट वन स्फीयर ऑफ अमेरिकन लाइफ दैट वॉज अनटच्ड बाई द रेवोल्यूशन. कोई भी फील्ड ऐसी नहीं थी जो अछूत रह गई वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से. सब ने हिस्सा लिया. स्लेवरी वॉज वाइडली प्रिवेलेंट इन अमेरिका. स्लेवरी जो थी, स्लेव की प्रथा थी, वो बहुत ज़्यादा फैली. देन ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द अमेरिकन आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड मैनी नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब जो प्रिंसिपल्स अमेरिकन रेवोल्यूशन के तहत यूज़ किए गए लिबर्टी इक्वालिटी के, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया सारे वर्ल्ड को. इन इंग्लैंड लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, रिजाइंड. इंग्लैंड के जो लॉर्ड नॉर्थ थे, प्राइम मिनिस्टर थे जो, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे, और आपको ये अच्छी तरह से याद करना है आपके एग्ज़ाम के लिए.